आइए दोस्तों, एल्टू भैया की इस न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम। देखेंगे फिलहाल जितने भी बच्चे और हमारे भाई और बहन आलिम की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ये क्लास उन्हीं के लिए। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम आलिम पार्ट टू परीक्षा में जो एक विषय है हिंदी, ठीक है, हिंदी विषय आते हैं उस हिंदी विषय को कवर करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, यहीं से आपके उठेंगे और बनेंगे भी। तो इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि क्लास को इग्नोर ना करें, क्लास को करें ताकि आपके इम्तिहान में कामयाबी मिले और फ़ायदा हासिल करें आप इस क्लास से। तो चलिए क्लास के आगाज़ करते हैं। क्लास के आगाज़ से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की क्लासेस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ समझने और देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्या कहते हैं, सवालात में दिए हुए राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्यिक परिचय को लिखें। यानी कि जब आप हिंदी के सिलेबस को पढ़ेंगे, अपने निसाब को पढ़ेंगे आप आलिम पार्ट टू का, तो उसके अंदर जो सिलेबस दिया गया है तो उसमें एक कैरेक्टर आता है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ये बहुत ही ज़बरदस्त और महावर इंसान थे जिन्होंने हिंदी का बहुत अच्छा अच्छा खत लिखा, ना जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ों में क्या, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखा हुआ कि साहित्यिक परिचय को लिखें। परिचय का मतलब होता है जिस तरह मान लीजिए किसी चीज़ का परिचय देना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो अंकल का लड़का है उसका क्या परिचय है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि वो इसका नाम ये है, उनके वालिद का नाम ये है, उसके बाद ये इतने भाई हैं, ये बहन है। लेकिन इनके बारे में नहीं, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्यिक परिचय को पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए उत्तर इस तरह लिखना है कि श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1920 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था। यानी कि आपसे अगर इस तरह पूछा जाए तो यहाँ पर इसी तरह लिखना है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है 1920 ईस्वी में हुआ था और मुजफ्फरपुर ज़िला का बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इसको राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाता है, ठीक है। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसी कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकी। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये हुआ कि शुरू की इब्तदाई तालीम जो होती है वो इनका सही ढंग से नहीं चल सका। लेकिन स्वतंत्र रूप से बेनीपुरी जी ने अपने अध्ययन जारी रखा। यानी कि स्वतंत्र रूप कहने का मतलब कि खुला ढंग से, कोई दबाव नहीं था इनके ऊपर, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो पढ़ाई है उनको बेहतरीन तरीके से क्या रखा, जारी रखा। चलिए आगे कह रहा है कि 15 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के क्या कहते हैं विशारद की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। एक परीक्षा था जिसका नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। जिस तरह से अपने उर्दू में फरोगे उर्दू सेमिनार वगैरह इस तरह से कुछ परीक्षाएं ली जाती है तो उसी हिसाब से हिंदी में लिया जाता है। तो विशारद, ठीक है, कि परीक्षा जो इन्होंने पास कर लिया था, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास कर जाना, ठीक है। आगे कह रहा है कि बचपन से ही इन्हें साहित्य ग्रंथों के अध्ययन के प्रति रुचि बनी रही। अब देखिए वहाँ तक जब पढ़ेंगे तो उनके बाद ये आता है कि रामचरितमानस का उनके व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्या चीज़ का, रामचरितमानस का, आपने नाम सुना होगा। इसका सफल उन्हें मिला और बचपन से ही उनमें काव्य प्रतिभा का जन्म हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे कह रहा है कि राजनीतिक आंदोलन के प्रति बेनीपुरी जी की सहानुभूति बनी रही। राजनीतिक का मतलब ये हो गया कि नेतागिरी, ठीक है, नेतागिरी में भी जो है इनके प्रति, इनके मन के अंदर बहुत ही सहानुभूति थी, यानी कि लगाव था। इस कारण ये आंदोलन में भाग लेते रहे और कई बार जेल भी गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं इनको जेल जो बार बार गए हैं किस लिए, तो इनको जो है राजनीतिक आंदोलन का बहुत शौक था, उसमें ये भाग लेते थे, ठीक है। अब चलिए आगे कह रहा है कि सन 1929 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रधान मंत्र का पद भी संभाला।
यानी कि 1929 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उनका प्रधान मंत्र का पद भी संभाला, यानी कि प्रधान कहते हैं कि मालिक जिस तरह से कह लीजिए आप, ठीक है। इनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं में किसान मित्र, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय एवं नई धारा आदि प्रमुख है। यानी कि प्यारे साथियों, इन्होंने जो संपादित का मतलब होता है प्रकाशित करना, छापना, जो पत्र इन्होंने छापा है उनमें नाम है किसान मित्र, उसके बाद है कर्मवीर, योगी, जनता, ये इनके पत्र के नाम है, ठीक है। अब चलिए आगे कह रहा है कि ये जीवन पर्यंत एक सफल सुयोग एवं जागरूक पत्रकारों के रूप में ख्याति भी प्राप्त किए। यानी कि इन्होंने पत्रकार, जिस तरह से अभी देखते होंगे अपने भारत के अंदर किस तरह से पत्रकार का बोलबाला है, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी पत्रकारिता भी किया था। अब चलिए आगे कह रहा है कि बेनी पुरी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, ठीक है। इनकी प्रतिमा क्या कहते हैं, अब चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जीवन पर्यंत एक सफल सुयोग एवं जागरूक पत्रकारों के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। उनके बाद आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो ये भी तो आपको हमने क्लियर करवा ही दिया यहाँ तक। अब चलिए कह रहा है कि इनकी प्रतिमा का दीर्घदर्शन इनके द्वारा लिखित रचनाओं पत्रिकाओं में होता है। इन्होंने गद्य की विभिन्न विद्याओं का प्रयोग करते हुए अपनी रचनात्मक क्षमता का परिचय सा हिंदी जगत को दिया। इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवन वृत्त जैसी विधाओं का प्रयोग किया है। तो यहाँ तक आपको हमने समझाया, इन्हीं समझाने के बाद आपको अभी थोड़ा सा और बताना है, एक पेज और है। इनको समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का नोटिफिकेशन मैं दे दूँ कि जितने भी बच्चे आलिम पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड में बढ़िया से बढ़िया मार्क लाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा पहले वाला, अब सिस्टम ये हो गया है कि अगर आप आलिम पास करते हैं तो उसमें पास होने के बाद कम से कम 5% और 70% अगर मार्क है तभी आपका जा करके कोई भी चीज़ में सिलेक्शन होता है, किसी भी चीज़ में ज्वाइनिंग होती है। तो इसीलिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपको मार्क बढ़िया चाहिए, जब तक मार्क बढ़िया नहीं होगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसके लिए प्यारे साथियों, आलिम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड परीक्षा के लिए VVI नोट्स सभी विषय का, सभी सब्जेक्ट का हमने तैयार कर लिया है। अगर आप अभी ख़रीदते हैं इनको तो 399 रुपये प्राइस था, लेकिन ऑफ़र प्राइस में 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। और नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, 92633 41 119। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, उनके बाद फिर आपके व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दिया जाएगा। उनके बाद अधिक जानकारी के लिए नोट्स से रिलेटेड आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफ़र सीमित समय के लिए है। एक कुशल संपादन होने के नाते इनके द्वारा लिखी गई टिप्पणियां और अग्रलेखों की महत्ता हिंदी जगत का भी है, ठीक है। अब चलिए आगे आपको हम बताते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि उनके द्वारा रचित साहित्य और नाटक और निबंध जानोपयोगी है। कल्पना की सीमा का स्वाद हम सीता की माँ में रखते हैं, कल्पना की सीमा का स्वाद हम सीता की माँ में चखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि राम वृक्ष बेनी पूरी जो है सीमा का स्वाद जो है वो किस में चखते हैं, तो सीता की माँ में। तो सीमा से याद रखिएगा, सीता की माँ। इनकी लेखनीय संस्मरण एवं शब्द चित्र लिखने में भी माहिर थी। उन्होंने अपने निबंधों में नवीन तरों एवं स्थापनाओं को उचित स्थान दिया है, ठीक है। उनकी भावुकता उनके विचारों की गंभीरता से सीख लेती है। सच मानिए, बेनी पुरी जी का समग्र साहित्य उनके लिए उपयोगी है जो हथेली में दिमाग और उंगलियों में आंखें रखते हैं। भाषा और विचार की दृष्टि से भी बेनी पुरी जी का संपूर्ण साहित्य उल्लेखनीय है। उनके विचारों में तीरों के वेग निहित है, तो दूसरी तरफ भाषा और विचार भी सबके लिए लोकहितकारी हैं।
उनके बाद देखेंगे इनकी भाषा शैली और विचारों का चिंतन करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि बेनी पूरी जी को कलम नहीं, कलम का घनी ही नहीं, वरन कलम का जादूगर भी माना जाना चाहिए। उनका व्यक्तित्व भी असाधारण प्रभाव का द्योतक है। अब आगे चलेंगे तो कह रहा है कि प्रगतिशील दर्शन के सामाजिक कलाकार श्री राम विरिक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे प्राचीन मान्यताओं से बंधकर वर्तमान की उपेक्षा नहीं करते, अतीत इनके वर्तमान को बोझिल और बाध्य नहीं करता है। तो प्यारे साथियों, ये हिंदी का लेक्चर नंबर 1 था, फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लास में काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक भी करते चलें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि जो आपके घरों में माँ बहन बेटियाँ हैं उन तक भी ये क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि YouTube चैनल पर अपने जितने भी हैं तो उन सभी चीज़ में लोग ये सभी चीज़ नहीं पढ़ा रहे, लिखा रहे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को से दिलचस्पी रखता हूँ, मोहब्बतें रखता हूँ। वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे नोट्स ख़रीदने के इच्छुक नहीं हैं, यानी वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वो यतीम हैं, तो उनके लिए हमारी ओर से ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके मोहल्ले में कोई हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करवाएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।